ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीन और खास मेहमान इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दलबीर कौर जी, सरबजीत जी की बहन है। बहुत बहुत स्वागत दलबीर जी इस पूरी चर्चा में आपका। हमारे साथ एपी सावरिया साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक है। सावरिया साहब आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कर्नल टीएस ढिल्लो जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ढिल्लो साहब आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम दलबीर जी का रुख करते हैं। दलबीर जी, जिस तरह से भारत को एक बड़ी कामयाबी इंटरनेशनल कोर्ट में मिली है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने निर्देश मानने से इनकार किया है, इस फैसले को मानने से इनकार किया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, आज एक ऐतिहासिक दिन था और ऐतिहासिक आज जीत हुई है और बहुत खुशी का दिन है आज हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तान का इस बात से मुकरना और बार बार ये कहना कि हम इसे मानते नहीं है, तो ये तो एक खिसियाई बिल्ली जो है इसी तरह से बोलेगी, क्योंकि आज उसकी किरकिरी हुई, आज उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। झूठ झूठ का पलिंदा जो है वह उड़ गया, क्योंकि अदालत ने उसके किसी भी पहलू के ऊपर गौर नहीं किया और उसे मानने, सभी को मानने से इनकार किया। और भारत ने अपने पक्ष में जितने भी पहलू रखे थे उन सभी के साथ उन्होंने सहमति जताई। और सबसे बड़ी राहत की बात हुई जो कि उन्होंने ये कहा कि जब तक अदालत में ये कार्रवाई पूरी नहीं होती, सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक जाधव को ये सजा नहीं दी जा सकती। तो अब वे अपने जनता को खुश करने के लिए अपने जो उनके ऊपर अब दबाव जरूर डलेगा, आईएसआई का दबाव होगा, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र सरकार तो है नहीं है, वहां पर लोकतंत्र आजाद नहीं है। इसलिए वो क्या करेंगे कि अब आईएसआई का दबाव होगा, फौज का दबाव होगा, वहां के आतंकवादियों का दबाव होगा। सरबजीत के मामले में भी हमने देखा कि जब उसे छोड़ने की उन्होंने एक बार रिहाई जो उसकी अनाउंस कर दी थी तो रात के 12 बजे वह पलट गए थे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव पड़ा था। तो अब उन पर भी दबाव होगा कि नवाज शरीफ चाहते नहीं है जाधव को सजा देना, ये तैयारी में नहीं थे, ये सब कुछ वो अब बोलेंगे। इसलिए उनको ये कहना पड़ेगा मजबूरी में कि हम इसे मानते नहीं है। लेकिन कि पाकिस्तान के बाप की भी हिम्मत नहीं कि इसको टाल दे, अब जाधव को वो हाथ नहीं लगा सकता। ये सबको मानकर चलना चाहिए। जो आज हमारी जीत हुई है ये एक सच्चाई की जीत हुई है, भारत की जीत हुई है, भारत के भारतवासियों की दुआओं की जीत हुई है, भारत के मीडिया की जीत हुई है। जाहिर सी बात है, एक बहुत खास बात कि पाकिस्तान कहे चाहे कुछ भी, दबाव में आकर आईएसआई के आतंकवादियों को, लेकिन सच्चाई यह है कि इस फैसले को टालना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। सवरिया साहब, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि पाकिस्तान, जिसकी नीयत पर हिंदुस्तान शायद कभी भरोसा नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी बातें करे, क्योंकि अपनी जनता के सामने उसने बहुत कुछ कह रखा है, लेकिन जिस तरह से सरबजीत, जिस तरह से दलबीर जी बता रही हैं, सरबजीत के मामले में कुछ भी किया हो, लेकिन इस बार शायद पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले से पीछे नहीं हट सकता। बिल्कुल शरद जी, आप सही कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि मैं मुबारकबाद देता हूं जाधव साहब की फैमिली को कि उनको एक नया जीवन दान मिला, और उसका श्रेय जाता है भारत की सरकार और उसका एक लीडर जो हमारे प्रधानमंत्री के एक मुठ होकर के और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते वक्त। बहन दलबीर जी जब मेरे साथ बैठी है तो मेरा दिल थोड़ा भारी भी लग रहा है कि अगर चीज हम सरबजीत के टाइम भी कर लेते तो शायद हम कुछ कर पाते। अब मामला ये है कि जो आज जो 3:30 बजे जो खुशी की लहर हमारी कंट्री के 131 करोड़ लोगों को मिली थी, करीबन करीबन 4:30 बजे जब पाकिस्तान से इसका नकारात्मक जवाब आया तो मैं हतप्रभ रह गया कि ये किस तरह की कंट्री है, जबकि 11 जजेज ने इंटरनेशनल कोर्ट में यूनानिमसली, आई एम रिपीटिंग यूनानिमसली, सारे वो चार्जेज लगाए थे या जो डिमांड हिंदुस्तान भारतवर्ष ने की थी उनको बिल्कुल अपहेल्ड कर दिया। और यहां तक कि उसको चिंता रही इंटरनेशनल कोर्ट को कि पाकिस्तान की हालात को देखते हुए, पाकिस्तान के इंटेंशन को देखते हुए जाधव की सिक्योरिटी का उनको बहुत डर लग रहा था, तो उन्होंने डायरेक्शन दी कि भाई इसको पूरी तरह सिक्योर रखोगे जब तक कि मेरा फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। लेकिन जिस तरह से हम सुन रहे हैं, जिस तरह से रिएक्शन मैं टीवी पे देख रहा था, कुछ साथी पाकिस्तान से जो बातें कर रहे थे बड़ी शर्मनाक बातें वो कर रहे थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पाकिस्तान को जाधव रहेगा, पाकिस्तान नहीं रहेगा। अगर उसने कुछ कर दिया तो पाकिस्तान, वो ढाका गया, वो बांग्लादेश गया,
इसे गिलगित सारा पाकिस्तान का अंग भंग करके मेरी मेरे हिंदुस्तान की जनता में, हमारी सरकार में और हमारी फौज में उतनी ताकत है कि पाकिस्तान का नास्ते नाबूद कर देंगे। बट मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं इनको अकल आ जाए। सी बात है, पाकिस्तान को अकल नहीं आएगी तो जिस तरह की नाराजगी इस वक्त भारत देश के लोगों के अंदर है, खासकर जाधव के मामले में, पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कड़ा कदम भी उठा सकती है। ढिल्लो साहब, इस सवाल का जवाब मैं आपके पास लेने आता हूं कि भारत सरकार ने साफ साफ ये चुनौती दी थी कि अगर जाधव को फांसी दी जाती है तो कठोर कदम उठाए जाएंगे और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा इस चीज को। तो भारत सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है? हालांकि पहला जो कदम है संयुक्त राष्ट्र के पास जाना है। भारत सरकार बहुत सख्त कदम उठा सकती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मुद्दा इस वक्त हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इनकी पाकिस्तान की जो बेइज्जती हुई है, और इनको भी ये सोचना है कि ये पाकिस्तान जो है ये आर्मी से कंट्रोल होता है या सिविल से कंट्रोल होता है। सिविल जो को फैसला लेती है तो आर्मी शायद उसको बैक करती है या नहीं करती है, ये उनकी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स चलती है, ये पूरी दुनिया को कंफ्यूज करती है और पाकिस्तान कोई भी स्टैंड नहीं प्रॉपर ले सकता, जिधर जाके आखिर में इनको शर्मनाक सिचुएशन में आना पड़ता है। और जब ऐसी सिचुएशन में आती है बनाना स्टेट की तरह, फिर ये अपना सिर उड़ा देते हैं और उसी गलत पॉइंट को बार बार बोलते हैं कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब वो एक आर्मी का आदमी नहीं है, आर्मी कोर्ट में जाके उसको पनिशमेंट देनी, सिविल कोर्ट में उसका केस को नहीं चला सकते थे, इंडिया को क्यों नहीं बता सकते थे कि आपका आदमी हमने जासूस पकड़ा है, इंडिया से कंफर्म क्यों नहीं कराते थे कि ये हमारा जासूस है, इंडिया से ये कंफर्म क्यों नहीं कराते थे कि ये टेररिस्ट है, दोनों चीज़ें बिल्कुल बताई नहीं गई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें कुछ हिस्सा नहीं लिया और आर्मी को पकड़ा दिया। वो कौन सा सर्विंग सोल्जर था कि उसका कोर्ट मार्शल कर दो? आदमी की जो ज़िंदगी है और ख़ास करके डेथ सेंटेंस किसी को देना, उसमें उसकी सारी सुविधा, उसकी वकीलों को उसको मिलने के लिए इजाज़त, काउंसलर एक्सेस देनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा मान देना चाहिए था, उससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती। बिल्कुल, लेकिन ये जो सही सी बात है, पाकिस्तान की इज्जत बढ़ती, लेकिन पाकिस्तान वही अड़ियल रवैया अपना रहा है जिस तरह से लगातार पूरी दुनिया भर में मशहूर है कि किस तरह का राष्ट्र है वो, आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की उसको मांग भी की जा रही है। पाकिस्तान ने फिर से एक बार वही किया है। सरबजीत जी, माफ कीजिए दलबीर जी, सरबजीत जी के मामले में भी क्या इस तरह की समस्याएं शुरुआत में आपके सामने आई थी? हालांकि आप लोग को पाकिस्तान का वीजा मिला था, मुलाकात करने का मौका भी मिला था। सरबजीत के मसले में मुझे 13 साल लगे थे पहली मुलाकात कराने के लिए। मैंने कनाडा से मानवाधिकार के कुछ अधिकारी थे जिनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें भेजा था। 18 साल मुझे लगे थे सरबजीत से मुलाकात करने के लिए। 18 साल के बाद उसकी दोनों बेटियों ने और पत्नी ने देखा था, अपने उन्हें पति को देखा, उन्होंने अपने बाप को देखा कि हमारा बाप देखने में भी कैसा है। मुझे 18 साल लगे थे सरबजीत से मुलाकात के लिए। मैं भी पल पल जी थी और तिल तिल में भी मरी थी। जिस तरह से हमने वो वक्त काटा, मैं तो ईश्वर से दुआ करती हूँ कि परमात्मा आइंदा किसी और को ऐसा समय ना देखना पड़े और खासकर किसी बहन को, पत्नी को, बेटियों को उस काल कोठड़ी में जाकर अपने किसी प्रिय से मुलाकात ना करनी पड़े। वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और वहाँ पर अपने को पाना, देखना, खड़े होके देखना, उससे मिलना, वो तो बहुत मुश्किल है जो मैं शायद बयान नहीं कर सकती कि उस समय हम पर 18 साल के बाद क्या बीता था। दलबीर जी, 18 साल का लंबा वक्त लगा था, आपकी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस बार तो न भारतीय अधिकारियों को मिलने दे रहे हैं ना परिवार वालों को वीजा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कठिन वक्त। तभी तो शंका पैदा होती है और बार बार इस बात को लेकर एक मांग उठती है कि हमें कम से कम पता चले कि जाधव किस हाल में है और कहां पर है। यहीं पर तो एक शंका है जो कि अब दिल में बेचैनी होती है और तभी तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर मजबूर होकर जाना पड़ा। तो समय इस तो लगेगा ही क्योंकि वो पाकिस्तान है ना सुधरने वाला, बिगड़ा हुआ पाकिस्तान, नाम पाकिस्तान है लेकिन है नापाक है और नापाक उसका कर्म है झूठ बोलना, फरेब करना, बेबुनियादी खोखले आरोप लगाना और सबूत बेकार नहीं पाता है, लेकिन तंग परेशान करना, केस को लटकाना और बाद में सौदेबाजी के लिए तैयार होना, और आज नवाज शरीफ पर भी यही आरोप लग रहा है पाकिस्तान के, उसके अपने ही लोग लगा रहे हैं कि इसने भारत के साथ, जब जब हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटकाया
तो इन्होंने यही आरोप लगाया कि नवाज शरीफ ने सौदा कर लिया जी, इसीलिए वो उधर चले गए, क्योंकि ये चाहता उसे छोड़ना। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी आसानी से पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, अभी तो इसको सुधारना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा, इसके दांत अभी तो जाहिर सी बात है, सबक सिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और इसके अलावा शायद कोई और चारा भी नहीं है। सावरिया साहब, कुलभूषण जाधव जी की सुरक्षा को लेकर देश भर में चिंता है, इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा कि सुरक्षा को पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको पुख्ता करे, लेकिन जब मिलने ही नहीं दे रहे तो वो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा है। बिल्कुल, आपकी आशंका सर जी बिल्कुल सही है, और ये एप्रीहेंशन मेरे दिल में भी आती है, और ये पाकिस्तान की जो प्रकाशा तक पहुंच सकता है वो अपने आप को ब्लेम ना लेते हुए ये भी कह सकता है जी हार्ट अटैक हो गया और डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेगा, कुछ भी कर सकता है। तो बट मैं, मुझे तो लगता है कि हमारी भारत सरकार इमीडिएटली, अगर वो एक दो दिन में ये हमें काउंसलर एक्सेस नहीं देता है तो इंटरनेशनल कोर्ट को फिर अप्रोच किया जाएगा और एक डायरेक्शन फिर ली जाएगी कि उनको इमीडिएटली ये इत्मीनान दिलाया जाए वर्ल्ड को कि जाधव सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित है, और उनको तभी तो उनके ऑर्डर का बात सही होगी कि जब तक वो फाइनलिटी में नहीं पूछते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनको जिंदा रखना पड़ेगा, फांसी नहीं देने की पड़ेगी। और अंडर सेक्शन 50 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान बाउंड है विद दिस डिसीजन, वो नकार नहीं कर सकता कि मैं बाउंड नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान हिमसेल्फ इज द सिग्नेटरी इनटू दैट सिचुएशन वेयर ऑल द वर्ल्ड पीपल आर देयर। एक तरफ तो पाकिस्तान हमेशा चीखता है कि मैं कश्मीर को यूएनओ में ले जाना चाहता हूं, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉडी की इज्जत जो ये कर रहा है वो सारा वर्ल्ड इस वक्त देख रहा है। पर जल्द ही भारत सरकार ऐसे कदम उठाएगी कि जाधव की सेफ्टी इंश्योर किए जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हरीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे पर, क्या अब पूरी दुनिया की निगाहें भी इस बात पर टिकी हुई हैं कि जाधव सुरक्षित है या नहीं, या पूरी दुनिया भी इस बारे में जानना चाहती है? इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़रें इस मामले पर लगी हुई हैं, और भारतीयों को भी तरह तरह की आशंकाएं जो है वो घेर रही हैं इस मामले को लेकर के। और बात करना चाहूँगा दलबीर जी की, दलबीर जी के संघर्ष को एक तरह से मैं सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ उनका, और उन्होंने तो सारी परिस्थितियों अपने बहुत करीब से देखी है कि पाकिस्तान में जब ये अब इनका ये गई वहाँ पर, तो वहाँ पर लोगों का क्या एटीट्यूड था, वहाँ के फंडामेंटलिस्ट संगठनों का क्या, उनकी आतंकवादी तंजीमें क्या क्या करती रही, क्या क्या उन्होंने बाधाएँ खड़ी की थी। और पाकिस्तान का आवाम जो है वो इस बात को जानता है कि वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें जो है वो किस तरह का वातावरण जो है, हालांकि ये मैं मानता हूं कि भारत पाकिस्तान का आवाम आपस में मिलना चाहता है, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें जो है वो भारत पाक रिश्तों में बहुत बड़ी बाधा खड़ी करने में लगे रहते हैं, तो कि उनका जो मकसद है वो पूरा हो सके। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान मानता है या नहीं मानता, लेकिन मेरे से मुझे लगता है कि कूटनीतिक स्तर पर अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे, और अमरीका और अन्य देश जो अब तक किसी न किसी बहाने पाकिस्तान के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उसकी फंडिंग करते रहे हैं, उन्हें अरबों डॉलर देते रहे हैं, चाहे वो क्लिंटन हो या चाहे वो बुश हो या फिर हिलेरी क्लिंटन भी जब भी आती थी तब भी वो पाकिस्तान पर नेमते बरसाती जाती थी, पता नहीं उनका क्या रवैया था, और यहाँ तक अब ताल्लुक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य बदला है, मुझे लगता कि अब समय आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय बरादरी को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो पाकिस्तान को एक फेल्योर स्टेट, एक आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे, और उससे जो संबंध है वो तोड़ जाए। मैं भारत सरकार से भी ये अपील करना चाहूंगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है, सबसे पहला प्रयास जो भारत ने दे रखा है उसको खत्म किया जाए। जाहिर सी बात है भारत सरकार को भी और कठोर कदम उठाने होंगे अगर पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे पर लीक से हटकर कुछ भी करता है। दिलू साहब, मैं आपसे जिस तरह की आज जजमेंट आया है, जो बातें कही गई हैं इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले में, जो कुछ भी बातें हुई उसमें कहा गया कि जाधव की गिरफ्तारी एक विवादित मुद्दा है, ये भी कहा गया कि भारत ने वियना संधि के तहत अपील की है, उसके तहत उसकी मांग भी सही है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि जाधव को जासूस माना नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात जो इंटरनेशनल कोर्ट में कही गई, ये कही गई कि जाधव को जासूस माना नहीं जा सकता। तो आखिरकार पाकिस्तान ने जो कुछ भी इंटरनेशनल कोर्ट के सामने कहा उसने साबित क्या करने की कोशिश की थी? कुछ भी तो वो साबित नहीं कर पाया। शरद जी, जो पाकिस्तान ने कोशिश की है वो ये
उसका मेन आइडिया था कि इस चीज़ को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बढ़ाया जाए ताकि उसको कुछ एडवांटेज कश्मीर की तरफ मिले, लेकिन उनका जो मुद्दा था वो टोटली फेल हो गया, क्योंकि उसकी फाउंडेशन जो थी, अरेस्ट करना आदमी को, गलत जगह से अरेस्ट करना, लाना, झूठे चार्जेस बनाना, और इतने वो कमज़ोर चार्जेस थे, किसी भी कोर्ट में वो फेल हो जाने थे। और इनको ये पता नहीं था कि इंटरनेशनल कोर्ट में जब हम चले जाएंगे और कि हम तो फेल हो जाएंगे, ये भी बनाना सेट की तरह कर रहे हैं कि नहीं जी हमने बिल्कुल काम दुरुस्त किया है, दुरुस्त एक भी काम नहीं इनसे हुआ। और अभी हमें पूरा इंटरनेशनल लेवल जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, अपनी एम्बेसीज के थ्रू बताएं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। हमें अभी उनके अवाम को बताना चाहिए कि देखो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो आपकी आर्मी क्या कर रही है, आखिर उनकी भी तो स्ट्रेंथ उनकी अवाम है, पब्लिक है, जिन जाहिर सी बात है आवाम की तरफ से भी अगर एक प्रेशर होता है पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान जो लोग चला रहे हैं आईएसआई की बात करें, अगर आवाम का भी एक प्रेशर होता है, आवाम के बीच अगर आम राय बनती है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, तो क्या इस पर दबाव बन सकता है? दलबीर जी मैं आपके पास लेकर आऊंगा, आपने बहुत आवाम को भी जोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास दलबीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने भी सरबजीत जी के मामले में आवाम को जोड़ने की कोशिश की थी, क्या ऐसा हो सकता है कि आवाम का दबाव बने पाकिस्तान के हुक्मरानों पर? हाँ, हमारे देश की सारी जनता को चाहिए कि हम सड़कों पर उतरें और जहां अपनी सरकार को भी मजबूर करें वहां पाकिस्तान पर भी दबाव बनेगा। और विदेशों में बैठे जितने भारतीय नागरिक हैं, मैं तो उन सबसे अपील करना चाहती हूं कि प्लीज़ आप एक इस तरह से आवाज़ को बुलंद कीजिए कि वे पाकिस्तान मजबूर हो जाए। और चाहिए बिल्कुल सबको आगे आना, और आप सबका खासकर मीडिया का जो सहयोग है ये बहुत ही अनिवार्य है, इसको बनाए रखें। ये नहीं कि दो चार दिन हम खबर को चलाएं और उसके बाद हम सुस्त हो जाएं, हमें इस समय जो है सुस्ती नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत नाजुक है और इसे मजबूर करना और इसे घुटने टेकने पर मजबूर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबको अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दलबीर जी, पाकिस्तान की आवाम क्या, पाकिस्तान की आवाम जी, पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुंह से बात को छोड़ करते हैं और दिल के अंदर उनके, मैं आपको क्या बताऊं कि उनके दिल के अंदर जो नफरत भरी हुई है कट्टरपंथियों ने, उसे निकालना भी बहुत समय लगेगा। मुझे, मेरे साथ एक औरत बात कर रही थी जो मैं गुरुद्वारा साहब में ठहरती थी, वहां छोटी सी एक डिस्पेंसरी है, उसकी एक कर्मचारी मेरे साथ बात कर रही थी, मैं बड़ी हैरान होकर सुन रही थी उसकी बातें, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं सोच रही थी कि अमन जो हम इनके बारे में सोचते हैं शायद वो गलत है, जो ये इस समय बोल रही है ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसने मुझे थोड़ी देर में ही अपना रूप दिखा दिया। और मैंने सोचा नहीं, बड़ा मुश्किल है इन लोगों को समझना, वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और बिल्कुल वहां के आवाम का भी अभी बहुत सारा इस तरह का कट्टरपंथियों का जो उन पर असर है, हमारे खास करके हिंदुओं और सिखों के साथ जो पाकिस्तान के अंदर, मैं तो कई बार हैरान होती हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर धर्म के ठेकेदार, अलग अलग धर्म के ठेकेदार हैं, वो सबकी बातें करते हैं, मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कभी किसी ने पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं और सिखों के साथ जो अत्याचार होता है, जो उनके साथ ज्यादती होती है, जो वहां पर वो उनकी आवाज को कुचलने के लिए वो मजबूर करते हैं, उनको दबा के रखा हुआ, कभी किसी ने आज तक उसकी आवाज नहीं उठाई। तो बहुत इस बात को भी लेकर मुझे चिंता भी होती है और शर्म भी आती है और दुख भी होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। इतना आवाम उनका मैं तो नहीं समझती कि इतना अच्छा, क्योंकि वहां के मीडिया को ही देख लीजिए, वही चिल्लाना शुरू कर देता, वो आतंकवादियों की बोली बोलते हैं, वो आईएसआई की बोली बोलते हैं, और हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे पास बैठा कोई रिपोर्टर या कोई ड्राइवर, जो भी कोई हमें मिलने आता है, वो सच में कोई आवाम का व्यक्ति है या आईएसआई का व्यक्ति है, कोई वहां पर आप किसी का भेद पा ही नहीं सकते। हरी जी, ये बात आपने सुनी होगी दलबीर जी की, कहीं ना कहीं बहुत कोशिश की है, आवाम से बातचीत कर चुकी, हर रास्ते हर दरवाजे खटखटाया था इन्होंने सरबजीत जी के लिए, लेकिन ये दर्द आप समझिए कि भरोसा बिल्कुल पाकिस्तान पर नहीं, अगर वहां पर एक ड्राइवर भी मिल रहा है तो वो आईएसआई का एजेंट हो सकता है, ये दर्द कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पाकिस्तान की, दलबीर जी ने बहुत ही विस्तारपूर्वक अपनी बात कही और बहुत ही स्पष्ट ढंग से सारी बात को उन्होंने कन्वे किया है, और मैं इनसे इत्तेफाक भी रखता हूँ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है, वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो भारत विरोध, यानी कि भारत से घृणा पर आधारित है। और अब
पाकिस्तान को बने हुए एक नजायज़ मुल्क बना था, उसको 70 साल के करीब हो गए हैं, और जिस तरह की शुरू से ही उनका एटीट्यूड रहा है, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो, अब वहाँ आतंकवादी तंजीमें, अब तो तालिबान और आईएस के जो पूरा का पूरा ट्रैप है वो पाकिस्तान में बिछा हुआ है, और अफगानिस्तान में भी वो अपने आतंकवादी तंजीमों, टेररिस्ट तंजीमों के ज़रिए वहाँ पर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं, भारत ने इतने प्रोजेक्ट चला रखे हैं। जिस देश का आधार ही भारत घृणा हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे तो पाकिस्तान से कोई उम्मीद है नहीं। और जहाँ तक कुलभूषण जाधव का सवाल है, ये ठीक है कि हमें भारत सरकार को बहुत ही आगे बढ़कर की बहुत ही आक्रामक भूमिका निभानी होगी, और मैं बार बार यही कहता हूँ कि सीधी बातों से ज़्यादा हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चैनल खोलने होंगे ताकि हमें अपनी प्राप्ति, पाकिस्तान के बारे में तो ये साफ बात है, अगर पाकिस्तान के बम धमाके होते हैं, पाकिस्तान के लोग मारे जाते हैं, पाकिस्तान के स्कूलों के नन्हे मुन्ने बच्चों को आतंकवादी दीवारें फांद बांध कर मार देते हैं, तो मुझे इसके बल यही कहना पड़ेगा, तुमने बोए थे खेतों में इंसानों के सिर, अब जमीन खून उगलती है तो रंज क्यों है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को यह बात समझनी पड़ेगी, आतंकवाद की खेती करता है, झूठ बोलता है, और कहीं ना कहीं उसकी जड़ों को ही खोखला कर रहे हैं तमाम चीजें। सावरे साहब, वक्त कम है, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या आपको उम्मीद है कि कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान वापस सही सलामत लौट कर आएंगे? बिल्कुल शरद जी, मुझे पूरा उम्मीद है, और मेरी भारत सरकार के ऊपर पूरा पूरा यकीन है, क्योंकि ये भारत सरकार दृढ़ निश्चय के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हरेक हिंदुस्तानी, हरेक भारतीय नागरिक को उतना ही वीआईपी समझती है जितना कि वो होना चाहिए। एक भी नागरिक हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, और नरेंद्र भाई की सरकार पूरे जोर शोर से पूरे प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के जाधव को बचाने का पूरा उम्मीद इस बात की है। ढिल्लो साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा, उम्मीद है लौट कर आएंगे? मुझे तो इस चीज़ के ऊपर शक है, क्योंकि पाकिस्तान जो बड़ा अनरिलायबल नेशन है, और मुझे ये डर लग रहा है कि इस सिचुएशन को बचने के लिए जब तक कुलभूषण जिंदा है वो इनके सारे पोल खोलेगा कि मुझे प्रेशराइज किया गया, मेरी गलत स्टेटमेंटें ली गई, मेरे से गलत काम किया गया, तो देर इज़ ए डेंजर कि अगर उसको एलिमिनेट कर दे तो ये एविडेंस ख़त्म हो जाएगा। हमें इस वक्त सबसे पहला जो एक्शन लेना चाहिए कि कुलभूषण को टीवी पे हमारे से बातचीत कराएं, और गारंटी हमें देने कि वो बिल्कुल ठीक है, गुड हेल्थ में है, उसका मेडिकेशन ठीक चल रहा है, उसका दिमाग की हालत ख़राब ना करें, ताकि उस बाद में सारा से हमारा केस उसमें फेल हो सकता है। अगर कुलभूषण को मेंटली डिस्टर्ब कर दें या उसको इतना टॉर्चर कर दें कि उस जवाब दुरुस्त ना दे सके। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपसे भी मैं ये सवाल करूंगा, उम्मीद है लौट कर आएंगे कुलभूषण जाधव सही सलामत, भारत का बेटा लौटेगा? ये के लिए जब कुलभूषण को सुनेंगे तो वो जो आवाम है वो आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, दलबीर जी आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, उम्मीद है लौट कर आएंगे कुलभूषण जाधव? जैसा कि भारत सरकार ने अपनी हिम्मत दिखाई है, बहादुरी दिखाई है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाकर, यदि इसी तरह वे मतलब तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसकी रिहाई संभव है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, इसे तबाह करने के लिए, इसे दुनिया के अंदर इसको नंगा करने के लिए, इसकी भंडी करने के लिए सिर्फ एक ही शख्स बहुत है, उसका नाम है मोदी। तो ये तो उन्होंने जाहिर कर दिया, यदि मोदी जी ने ठान लिया कि जाधव लाना है तो वो आएंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, जिस तरह से इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर गए हैं, जिस तरह से लगातार कूटनीतिक कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें जारी रहेंगी, और कुलभूषण जाधव जिनके बारे में देश के तमाम जो नागरिक चाहते हैं वो लौट कर आए, वो वापस हिंदुस्तान की धरती को आकर चूमेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, सवरिया साहब आपका, ढिल्लो साहब आपका, दलबीर जी आपका, हरीश जी आपका, और चारू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में, आइए मैं न्यूज़ पर लगातार खबरों का सफर जारी है।